दायरे को संकीर्ण कभी नहीं बनाया, अपने विचारों में कभी भी संकीर्णता लेके नहीं आए। वो उड़ीसा में मुस्लिम परिवार में रहते थे और उनके परिवारों में रहते थे और जाते थे अक्सर, वहाँ जो भी मुस्लिम लोग त्यौहार बनाते थे उनमें शामिल होते थे। यहीं से सुभाष चंद्र बोस जी ने उनसे सीखा कि मतलब कि जो भी है सच्ची एकता वही है जिसमें विविधता का सम्मान हो एवं मतभेदों की स्वीकार्यता हो। सुभाष चंद्र बोस जी पे सबसे पहले जो प्रभाव था, कुछ प्रभाव जैसे कि उनके पिताजी का रहा, फिर जो उनके स्कूल के हेडमास्टर थे माधव बेनी दास जी, उनका रहा, उन्होंने उनके विचारों में राष्ट्रवाद का, आदर्शवाद का जो बीज बोया वह आगे जाके काफी कारगर सिद्ध हुआ। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इनसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्णन का रहा। रामकृष्णन जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनके जो वह आध्यात्मिक धर्म पर ज्यादा जोर देते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जो थे